हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चल रहा है अपना वीडियो सॉल्यूशन के रूप में जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसमें। आज अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा। मैं सुनील सोरान, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी CLC सीकर। ठीक है, तो अपन ने पहले के 2 लेक्चर में जो है वो फिजियोलॉजी को कम्प्लीट कर लिया है। आज अपन 3rd लेक्चर में एनिमल डाइवर्सिटी की बात करेंगे और इसके एडिशन में एनिमल मॉर्फोलॉजी और कुछ पोर्शन हिस्टोलॉजी का। कुछ इसलिए क्योंकि कुछ हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन मैंने पहले आपको फिजियोलॉजी के दौरान करवा दिए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने वाले क्वेश्चन को दोबारा नहीं करना है अपने को। तो आपने पहले दोनों लेक्चर काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी लाइक किए होंगे, काफ़ी शेयर भी किया होगा इनको, ओके, और काफ़ी बेनिफिशियल भी ये रहा होगा इस एग्जाम पैटर्न के दौरान। अभी एग्जाम का जो टाइम चल रहा है इस दौरान जितना मैटर बच्चों को घर बैठे मिले वही कम है। और आपने देखा होगा कि CLC किस प्रकार लगातार वीडियोज अपलोडेड बच्चों के लिए करता जा रहा है, किस प्रकार डेली होम असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, किस प्रकार आपका DTS 2.0 जो है वो रीशेड्यूल्ड होकर आपके पास आ चुका है और आपने उन पेपर को एक पेपर को पहले दे भी लिया है। ठीक है, 10 तारीख को पेपर नंबर जो 2nd है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3rd पर। पहला क्वेश्चन आएगा अपना, देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के रेस्पेक्ट में बताना है कौन सा करेक्ट है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश किससे बिलोंग करती है? इंसेक्टा से। स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई सब जानते हैं इंसेक्ट है। बात यहाँ आती है सिल्वर फिश इंसेक्टा में आता है क्या? बिल्कुल इंसेक्टा में ही आता है। याद करो जूलॉजिकल नेम इसका लैपिस्मा। क्या बोला बच्चों? इसको लैपिस्मा। क्लियर। अब बाकी के गलत क्यों हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। बच्चे यहाँ जो डाइवर्सिटी में है वो एक प्रॉब्लम बच्चे अराइज करते हैं कि ये बार बार ही याद करनी पड़ती है, अब याद ही नहीं होती है। तो आप अनवांटेड नहीं पढ़ें। आपने पिछले 1 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा, वही एग्जाम्पल आ रहे हैं बेटा जो किसमें दिए हुए हैं, NCERT में दिए हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जितनी भी फाइला और वर्टिब्रेटा में जो क्लास दी हुई हैं उनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लें आपको, और 1 या 2 करेक्टरिस्टिक फीचर इनके बारे में पूछा जाता है। कहने का मतलब NCERT बेस्ड डाइवर्सिटी पढ़नी है, वाइड डाइवर्सिटी आप नहीं पढ़ें, अन्यथा अनवांटेड लोड हो जाएगा आपके माइंड पे। ठीक है, तो दूसरा गलत क्यों है, देखें, स्पाइनी आंडिटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्मेटा। सी कुकुम्बर इकाइनो में आता है, सी अर्चिन इकाइनो में आता है, लेकिन स्पाइनी आंडिटर इकाइनो में नहीं आता। ये तो किससे बिलोंग करता है? क्लास मैमेलिया से। अगली बात देखें, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश पीसीज में आती हैं, सुपर क्लास पीसी से बिलोंग करती हैं। लेकिन आप देखें इसमें फ्लाइंग फिश कौन है? एक्जोसीटस। जूलॉजिकल नाम याद रखने हैं इनके आपको, क्या है? एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश। किससे बिलोंग करती है? ऑस्ट्रिक्थीज से। और ऑस्ट्रिक्थीज किसमें आता है? पीसीज में ही आता है, लेकिन कटल फिश और सिल्वर फिश ये पीसीज में नहीं आती। कटल फिश तो किसका मेंबर है? मोलस्क का, सिफेलोपोडा, याद करो मोलस्क का है ये। और सिल्वर फिश अभी मैंने आपको बताई है किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा की क्लास, इंसेक्टा से बिलोंग करता है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। ये भी रॉन्ग हो गया। सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। सेंटीपेड और मिलीपेड ये इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करते। सेंटीपेड को 100 लेगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और मिलीपेड जो है इसको 1000 लेगर के नाम से जाना जाता है। जो 100 लेगर है ये किससे बिलोंग करता है? किलोपोडा से, क्लास किलोपोडा ऑफ आर्थ्रोपोडा। और ये किससे बिलोंग करता है? डिप्लोपोडा से, आर्थ्रोपोडा की क्लास। आप याद रख लें, उसके लिए एक ट्रिक है, कौन सी करूं कि दी इन अरे ओनी मेरो। ये 7 क्लास हैं आर्थ्रोपोडा की, क्रस्टेशिया, कीलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, अरेकनिडा, ओनिकोफोरा और मीरो स्टोमेटा। ओके स्टूडेंट, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला गया क्वेश्चन नंबर 1 का? 1st। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम? यहाँ फाइलम सेम होना चाहिए। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट सेम फाइला से बिलोंग कर रहे हैं क्या? प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो सेम फाइला हो गया कौन सा? आर्थ्रोपोडा।
ठीक है, आंसर भी अपना यही चला गया। अगला क्रॉस चेक करें, ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है, सी एनिमोन एडम्सिया को सी एनिमोन कहा जाता है, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, स्टारफिश एस्टीरियस किससे बिलोंग करती है, इकाइनोडर्मेटा से। जूलॉजिकल नेम याद रखने हैं, सी एनिमोन का जूलॉजिकल नेम क्या हो गया बच्चों, एडम्सिया। स्टारफिश का क्या हो गया, एस्टीरियस। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ऑप्शन नंबर थर्ड रॉन्ग क्यों है, मलेरियल पैरासाइट अमीबा मॉस्किटो। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोटोजोआ अमीबा प्रोटोजोआ मॉस्किटो इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। ये भी रॉन्ग है, किसके कारण, अलग अलग से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग फाइला हैं। ऑप्शन नंबर फोर देखें, अर्थवॉर्म पिनवॉर्म और टेपवॉर्म। अर्थवॉर्म एनेलिडा, पिनवॉर्म एस के हेलमिंथ्स, याद करो जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, एंटेरोबियस, एंटेरोबियस। टेपवॉर्म प्लेटी हेलमिंथ से, तो अलग अलग फाइला से बिलोंग कर रहे हैं। करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू का क्या चला गया, ऑप्शन नंबर वन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम फर्स्ट विद वन कैरेक्टरिस्टिक कॉलम सेकंड में दी गई है इनकी, एंड द फाइलम और क्लास कॉलम थर्ड में दिया गया है जिसे ये बिलोंग कर रहे हैं। देखिए आप, तीन कॉलम है। लिमुलस के लिए बोला है बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, पीसीस से बिलोंग करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ये गलत बात। अगली बात, एडम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल सिलेंट्रेटा, अभी अभी बात की थी एडम्सिया कौन है, ठीक है, और पोरीफेरा से बिलोंग करता है, नहीं साहब ये तो सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। अगली बात, पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा में आता है, राउंड माउथ वाली जो फिशेज हैं उनसे ये बिलोंग करता है, और एक्टोपैरासाइट भी है किसके ऊपर, फिशेज एंड टर्टल, फिश एंड टर्टल, इसके ऊपर एक्टोपैरासाइट भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो गया, करेक्ट। अगला देखें, इक्टियोफिश टेरिस्ट्रियल है और रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, नहीं, इक्टियोफिश तो क्या है साहब, एम्फीबिया में आता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या चला जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। ओके, हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन सा है, ठीक है, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश, ठीक है, तो आप इनको देखकर, अपन ने अभी पहले भी देख लिया था, लेपिस्मा जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर कहलाता है, ठीक है। पफर फिश ये कोर्डेटा में एक्टिनोप्टेरिजी क्लास है उससे बिलोंग करती है, एक्टिनोप्टेरिजी से बिलोंग करती है, ठीक है। कटल फिश अपन ने पहले देख ही लिया था, कौन है, मोलस्का में, मोलस्का से बिलोंग करती है। फ्लाइंग फिश ओस्टिक्थीज में देखा ही था, कौन थी, एक्जोसिटस, तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा चला गया अपना, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर फाइव। प्लेनेरिया पजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, तो प्लेनेरिया किसका मेंबर है, प्लेटी हेलमिंथ्स में देखा था, और क्या पाया जाता है इसमें, रीजनरेशन की एबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। मेटामॉर्फोसिस लार्वल फॉर्म नहीं देखने को मिलेगी, ये ऐसा नहीं देखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता नहीं है, बायोल्यूमिनेसेंस लाइट एमिटिंग की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचानना है, डॉगफिश इज ए बायलिटरली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल। डॉगफिश कौन भाई, स्कोरियोडॉन, और इन स्केल्स के रेस्पेक्ट में आप एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है वो याद रखें, साइक्लोस्टोमेट्स, सॉरी इट्स नॉट कॉन्ड्रिक्टिज, ठीक है, और ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्टिज में जो स्केल्स पाई जाती हैं वो क्या हैं, प्लेकोइड, कोइड टाइप की स्केल पाई जाती हैं, और ऑस्टिक्थीज में कौन सी हैं, साइक्लोइड, टीनोइड और कुछ प्रिमिटिव में गैनोइड टाइप भी पाया जाता है, गैनोइड टाइप ऑफ स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो डॉगफिश बायलेटरल सिमेट्री दर्शाता है, सही बात है, प्लेकोइड स्केल होती हैं, सही बात है,
क्योंकि स्कोलियोडॉन किससे बिलोंग करता है? कॉन्ड्रिक्थीज से. ऑप्शन नंबर वन क्या चला जाएगा? करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे गलत क्यों है. सोफिश इज ए बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड बाई टीनोइड स्केल. सोफिश क्या है? प्रिस्टिस. प्रिस्टिस ठीक है. प्रिस्टिस किससे बिलोंग करता है? कॉन्ड्रिक्थीज से. और ये क्या कह रहा है? बायलेटरल सिमेट्रिकल ये तो ठीक है, लेकिन टीनोइड स्केल बता रहा है. टीनोइड स्केल तो ऑस्टिक्थीज में पाई जाती है. ये तो मेंबर है किसका? कॉन्ड्रिक्थीज का. गलत हो गई बात. सिल्वर फिश इज रेडियली सिमेट्रिकल. लेपिस्मा की बात कर रहा है, आर्थ्रोपोडा की. और आर्थ्रोपोडा जो है वो रेडियली नहीं बायलेटरली सिमेट्रिकल है. रॉन्ग हो गई बात. एंजिल फिश इज ए रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड विद गैनोइड स्केल. गैनोइड स्केल पाई जाती है इसमें. रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल ये नहीं कहलाएगा. ठीक है. टेरोफिलम नाम याद है ना इसका? टेरोफिलम ठीक है. तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर वन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर सेवन. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच गिव ए करेक्ट मैचिंग ऑफ द कॉमन नेम ऑफ एनिमल इन कॉलम ए. कॉलम ए में तो कॉमन नेम आपको दिए गए हैं और जीनस कॉलम बी में आपको दिया गया है. सी पेन कौन है इसकी जीनस? पेनेटुला. ट्रिक बना लेना, यहाँ पर पेन आ रहा है, पेनेटुला में भी पेन आता है स्टार्टिंग में. एडम्स यह दिया हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा. सी एनिमोन क्या दिया हुआ है? मैंड्रीना. ये भी क्या हो गया? रॉन्ग. ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था सी एनिमोन एडम्सिया. अगली बात, सी फैन कौन है? गोरगोनिया. यहाँ पर ट्रिक बना लेना, फैन कैसे घूमता है बच्चों? गोल गोल घूमता है. तो गोल गोल शब्द को गोर गोर में कन्वर्ट कर लो, गोरगोनिया बन जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये मैचिंग भी करेक्ट है. पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहा जाता है? फाइसेलिया को कहा जाता है. पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया. ओके, तो अपना करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन का कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर एट आ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द लैंड. लैंड के ऊपर इंसेक्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो याद करो, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म बनी थी किसके कारण? जॉइंटेड अपेंडेजेज. टेड अपेंडेजेज एंड विंग्स. और इसके अलावा एक और बात करें, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ठीक है, ये तो किसमें हेल्प करता है? क्विक एस्केपिंग में मदद करता है, भाग जाने में मदद करता है. अपने जो प्रीडेटर हैं उन प्रीडेटर से बचाव में काम आता है, और अपने प्रे को पकड़ने के लिए भी क्विक एस्केपिंग कर सकता है. इसके अलावा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या करता है? ये बॉडी से वाटर लॉस जो हो रहा है उसको प्रिजर्व करवाता है, और इसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है. तो आप देख लें इनमें से कौन सा ऑप्शन जा रहा है. बायलेटरली एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस के कारण क्या बन गए? ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट जो है वो अधिक हो गया. कैसा एक्सोस्केलेटन? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, अभी अपन ने बात की थी. मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. याद करो, हेड रीजन, थोरेक्स रीजन, एब्डोमेन रीजन पाया जाता है. पैरापोडिया नहीं पाए जाते. पैरापोडिया तो किस में देखने को मिले थे? स्विमिंग के लिए. लोकोमोटरी ऑर्गन थे किसके? नेरीज में पाए जा रहे थे. जॉइंटेड अपेंडेजेज अभी मैंने बात की ही थी, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है जी, तो कौन सा नहीं है? पैरापोडिया नहीं है. ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन. इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड. ये फ्लैजिलेटेड सेल क्या कहलाती है? ठीक है, तो स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल. दीज फ्लैजिलेटेड सेल आर नॉन एज क्या कहलाता है? क्वेनोसाइट्स. याद करो, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है इनके. ठीक है जी, और बीच में क्या पाया जाता है? नॉन सेलुलर मास पाया जाता है मेसेनकाइमल सेल का. क्लियर हो गई बात. एक्टोडर्म इज नॉन एज पिनेकोडर्म, एंडोडर्म इज नॉन एज कोएनोडर्म,
और वहाँ की ये सेल क्या कहलाती हैं? कोइनोसाइट्स कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर टू। दो ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, एक है ओस्टिया, एक है ओस्कुलम। ओस्टिया बॉडी पर पाए जाने वाले वो वेरियस पोर्स हैं जिनसे होते हुए वाटर की क्या होती है, एंट्री होती है बॉडी में, ठीक है जी, बॉडी के अंदर आता है पानी। और ऑस्कुलम वो एक कॉमन पोर है जिससे होते हुए वाटर जो है वो एक्सपेल आउट होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ऑस्कुला कहलाता है। तो 10 का आंसर चला गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, हेमिकोर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, मतलब हेमिकोर्डेट में वो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और वो कॉर्डेट्स में भी होनी चाहिए। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कॉर्डेट में तो है, हेमिकॉर्डेट में नहीं है, गलत बात। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स हेमिकॉर्डेट में भी पाई जाती हैं और कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलती हैं। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स ये तो रॉन्ग बात हो जाएगी, सॉरी ये रॉन्ग नहीं होगा अपना, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड मतलब यहाँ पर तो शेयरिंग पूछ रहा है, दोनों में होनी चाहिए, हेमिकॉर्डेटा में नहीं है अपने को पता है, लेकिन कॉर्डेटा में तो पाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, कौन सा मेटामॉर्फोसिस नहीं दर्शाता है? तो आप देखें इनमें मोथ, ट्यूनिकेट्स, अर्थवॉर्म, स्टारफिश। अर्थवॉर्म जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं दर्शाता। कोई लार्वल स्टेज पढ़ी है क्या अर्थवॉर्म की आपने? कोई लार्वल स्टेज नहीं है। यहाँ बात करें बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, ठीक है जी, यहाँ एसिडियन टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है, यहाँ कैटरपिलर लार्वा की प्रेजेंस देखी जाती है। तो इनके लार्वा याद रख लेना, कैटरपिलर हो गया, यहाँ कौन सा हो गया एसिडियन टेडपोल लार्वा हो गया, यहाँ कौन सा हो गया बाइपिनेरिया लार्वा कहलाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन इन, सिलिएट्स जो होते हैं जिनकी बॉडी पर सिलिया पाए जाते हैं, प्रोटोजोवा में अपने पढ़ा था, पैरामीशियम एग्जाम्पल बना था इसका, है ना, तो ये अदर प्रोटोजोवा से डिफर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई पाया जाता है और एक बड़ा न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन का काम करता है और लार्जर न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस इनका कहलाता है। तो दो न्यूक्लियाई की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन देखिए आप कहाँ है, हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फ्लैजिला, ठीक है, हैविंग टू टाइप ऑफ दी न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक, पाइलम ये ए दिया ये बी दिया, इनको मैच करना है अपने को, ठीक है जी। तो पाइला में मोलस्का से बिलोंग कर रहा है, क्या पाया जाता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है भोजन को चबाने के लिए, तो ए का तो हो जाएगा थर्ड। बोम्बिक्स मोराई किससे बिलोंग कर रहा है, आर्थ्रोपोडा से, क्या पाया जाता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, फोर्थ चला जाएगा। प्लूरोब्रेंकिया, प्लूरोब्रेंकिया में क्या पाया जाता है, प्लूरोब्रेंकिया टीनोफोरा से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है जी। टीनिया प्लेटीहेलमिंथ्स, प्लेटीहेलमिंथ्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेम सेल है, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा 3421, देख ले कौन सा है 3421, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है, बायलेटरल सिमेट्री बता रखी है, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी बता रखा है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पजेज ऑल द अबव करेक्टरिस्टिक, सारी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उनमें, क्लियर होगी बात, हाँ जी आ जाओ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बात करेंगे अपन, एस्केलमिल्स, ठीक है जी। आर्थ्रोपोडा पहला है, आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल है, ट्रू सिलोम है विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी पाया जाता है। मोलस्का अनसेगमेंटेड बॉडी, मोलस्का अनसेगमेंटेड बॉडी, मोलस्का अनसेगमेंटेड बॉडी, बच्चों तीन ऑप्शन में मोलस्का आ रहा है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है इनकी, ठीक है। तो फिर आंसर क्या चला जाएगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीनों ही फॉर्म क्या हैं इसमें पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए मैराइन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने वाली कार्टिलेजिनियस फिश, कॉन्डिक्टीज जो क्लास है उससे कौन बिलोंग करता है, तो कौन सी हो जाएगी, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम में भी लेता है और अपने जो प्रे है उसको पैरालाइज करने के काम में भी लिया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखें आप,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? एनिमल का ग्रुप बताया गया है ऑर्गेनिज्म का और उसके रेस्पेक्ट में करेक्ट को बताना है अपने को। यूरोकॉर्डेट नेचुरली अकर इन मालाबार हिल्स। यूरोकॉर्डेट तो बॉटम ऑफ द सी में पाए जाते हैं, पहाड़ों की बात कहाँ पे आ गई, बात क्या है गलत। एल्गी स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शनेट नंबर अमंग द प्लांट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिशेज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ नंबर अमंग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें सर्वाधिक संख्या में फिशेज पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अकेली ऑस्ट्रिच थीज में 28,000 लिविंग स्पीसीज हैं, मैं लिविंग स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, केवल 28,000 लिविंग स्पीसीज हैं, तो लार्जेस्ट नंबर है फिशेज में, ठीक बात है। मैमल्स ऑल आर क्वाड्रीपेड्स, चार पैरों पर चलने वाले, नहीं अपन भी तो मैमल हैं, दो पैर पर चल रहे हैं ना, रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट भी। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए जोलेस फिश विच ले एग इन फ्रेश वाटर। जोलेस है, जोलेस मतलब किससे बिलोंग कर रही है, साइक्लोस्टोमेट। ओके विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमोशिएट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द टॉप ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो ऐसा किस में देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है जोलेस फिश कौन सी होगी, पेट्रोमाइजोन। मिक्सिन क्या है बच्चों, हैग फिश, हैग फिश। और ये दोनों नियोमिक्सिन और एप्टेट्रिटस, ये भी दोनों क्या हैं, ये जीनस हैं, किसकी, हैग फिश की ही जीनस कहलाती है अनदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है जी, तो कौन से इनमें से ठीक हैं कोरस्पॉन्डिंग सामने दिए गए एनिमल के ग्रुप से, विवीपेरस, मेमेलिया। क्या सारे मेमल्स विवीपेरी दर्शाते हैं, नो, याद करो प्लेटिपस, प्लेटिपस कैसा है बच्चों, ओवीपेरस है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। पजेज ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जो, किसमें, कोर्डेटा में, कोर्डेटा में अपर और लोअर जो, लेकिन अपन तो जानते हैं साहब कोर्डेटा में सब फाइलम है कौन सा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन है याद हो तो आपको, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा जिसमें जबड़े नहीं होते, ये भी किस में आ रहे हैं, कोर्डेटा में ही आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो कह रहा है कोर्डेटा में ऊपर और नीचे वाला जबड़ा दोनों पाए जाते हैं, गलत बात। थ्री चैम्बर हर्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, तीन चैम्बर हर्ट है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, रेप्टाइल्स में देखा जाता है, क्या बोल रहा है, रेप्टाइल्स कोई एक्सेप्शन है क्या, निश्चित रूप से क्लास रेप्टिलिया का ऑर्डर क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया में कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल पाए जाते हैं, फोर चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है, तो ये भी करेक्टली सबके लिए ठीक नहीं है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज जो है इसका नाम ही किसके ऊपर रखा गया है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन के बेसिस पर विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करना है। All cyclostomate do not possess jaw and paired fin. सभी cyclostomate में जो नहीं होते, cyclostomate बोला है तो जो तो नहीं होंगे, और paired fin भी नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है ये बात आपको, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ही पूछ रहा है, बाकी के तीन भी देखेंगे। All reptiles have three chambered heart, अभी exception बताया था, order crocodilia four chambered heart होता है, गलत हो गया। All fishes have gills covered by operculum. ओपरकुलेटेड गिल्स तो ऑस्ट्रिक थीज में पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिक थीज में कैसे होते हैं, नॉन ओपरकुलेटेड, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल मेमल्स आर वीवीपेरस, अभी मैंने एक्सेप्शन लिखा था प्लेटिपस ओवीपेरस होता है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, तो करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट। ओके अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 21। विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मेमल्स, एक्वेटिक मेमल कौन सा है, देखें आप, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल है, सील एक्वेटिक मैमल है, ट्राइगन ये तो फिश है साहब, अभी अभी देखा था अपन ने, ठीक है, अगले में देख लें, व्हेल डॉल्फिन और सील, व्हेल डॉल्फिन सील तीनों ही क्या हैं, एक्वेटिक मैमल हैं,
ऑप्शन नंबर टू चला जाएगा, ये पूछा है अपने से, बाकी भी देखेंगे। ट्राइगन व्हेल और सील, फिर से ट्राइगन आ गया, सील, डॉल्फिन, शार्क, शार्क क्या है, डॉगफिश, याद करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रिक्टीज, फिशेज में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, नीट ने जो सिलेबस डिफाइंड किया हुआ है उससे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी इस लेवल पर जाकर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो उस इवोल्यूशन के दौरान हॉर्स की पेडिग्री आपको बता रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका क्लासिफिकेशन भी याद रखना चाहिए। हॉर्स का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, हॉर्स का पेरिसोडक्टाइला, ठीक है जी। एक्विटी क्या है, फैमिली है, फैमिली ऑफ हॉर्स, ठीक है। फेरस क्या है, इसके स्पीसीज है। कैबलस क्या है, इसकी सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो बहुत ही क्लोज क्लोज ऑप्शन दिए गए थे, ऑर्डर कौन सा चला जाएगा, पेरिसोडक्टाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होमियोथर्म एनिमल, होमियोथर्म जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, कौन है, एविज हैं, मैमल्स हैं, ठीक है जी। कैमेलस किस में आता है, मैमल में आता है। सिटेकुला पैरट, कैमेलस कौन, कैमल की बात हो रही है, पैरट किस में आता है, एविज में आता है, ये भी होमियोथर्म है, ये भी होमियोथर्म है, कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। किलोन, किलोन कौन बच्चों, टर्टल, टर्टल किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल्स होमियोथर्मिक नहीं होते, पोइक्लोथर्मिक होते हैं, तो आंसर चला जाएगा थर्ड। चौथा भी देख लें, मैक्रोपस कंगारू मैमल्स में आता है, तो ये भी होमियोथर्म होता है, नोट पूछा है, तो आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टराइज बाई क्रोप एंड गिजार्ड, ये दोनों पाई जाती हैं वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल में, और ऐसा किस में देखा जाता है, एविज में देखा जाता है, एविज में क्रॉप और गिजार्ड पाई जाती है, ठीक है जी। क्रॉप स्टोरेज के लिए, गिजार्ड क्रशिंग के लिए, पीसने के लिए, और बाकी किसी में भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ ए कॉकरोच निम्फ, ठीक है, कॉकरोच निम्फ की लास्ट माउल्ट के बाद में क्या देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखें, कौन सी, विंग पैड, और विंग पैड के रेस्पेक्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फियल स्टेज क्या शो करती है, विंग पैड शो करती है, लेकिन विंग्स केवल किस में पाए जाते हैं, अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर द लास्ट माउल्ट के बाद में क्या देखने को मिलेगा, फोर विंग और हैंड विंग जो है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा आंसर इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉकरोच के रेस्पेक्ट में बात करनी है अपने को, फर्टिलाइज्ड एग आर स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल कॉकरोच, स्पर्मेथिका में तो स्पर्म का स्टोरेज होता है, फर्टिलाइज्ड एग का नहीं होता, फर्टिलाइज्ड एग तो जेनिटल जो चैम्बर है उसमें स्टोर्ड होंगे, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, करेक्ट पूछ रहा है अपने से। गिजार्ड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, गिजार्ड तो क्रशिंग का काम करेगा, स्टोरेज का काम कौन करता है, क्रॉप करता है, तो बात क्या होगी, ये भी गलत। The entire foregut is lined internally by the cuticle. ये सही बात है, जो ये फीडिंग जब करता है तो अपने ही जो फॉलोअर्स होते हैं, फेलोज होते हैं, अपनी संतानें जो होती हैं उनको भी ये खा जाते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन भी इनटेक कर लेते हैं, तो हार्ड सब्सटेंस की वजह से डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए इंटरनली फॉरगट किससे लैंड होती है, क्यूटिकल के द्वारा, बात क्या है, करेक्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया, नो, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड आ जाएगा इसकी जगह, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, 26 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। हाँ बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाई, किसके द्वारा ये जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो अपने एनसीईआरटी ने इस बात को एक्सप्लेन भी किया है कि बॉडी जो है वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, प्लेट्स पाई जाती हैं, काइटिनियस प्लेट, और ये काइटिनियस प्लेट्स क्या कहलाती हैं, दीज आर नोन एज स्क्लेराइट्स, ठीक है जी। डोर्सल साइड की स्क्लेराइट टर्गा, वेंट्रल साइड की स्क्लेराइट क्या कहलाती है, इसकी स्टर्ना कहलाती है, ओके। तो
कॉकरोच का हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, एब्डोमिनल रीजन बन जाएगा। हेड हो गया, ये थोरेसिक रीजन, दिस वन एब्डोमिनल रीजन। तो डोर्सल साइड की जो स्क्लेराइट होंगी, दीज आर नॉन एज क्या कहलाती हैं? टर्गाइट कहलाती हैं। वेंट्रल साइड की जो होती हैं, दीज आर नॉन एज क्या कहलाती हैं? स्टर्ना कहलाती हैं। और लेटरली जो प्रेजेंट होती हैं बॉडी के, दीज आर नॉन एज प्लूरा। ये आपस में कनेक्टेड होती हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, इनको जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में डिस्चार्ज करती है? तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम याद होगा कॉकरोच का, ठीक है जी। ये क्या थी? मेलपिगन ट्यूब्यूल्स कहलाई थी, ओके। और ये किस में आकर ओपन हो गई थी? ये मिड गट हो गई और ये हाइंड गट हो गई, इनके जंक्शन पॉइंट पर आकर ये ओपन हो जाती है। दिस एंड ऑफ मेलपिगन ट्यूब्यूल इज प्रॉक्सिमल, और ये एंड क्या कहलाता है इसका? डिस्टल एंड कहलाता है। बाहर भरा हुआ क्या होता है? हीमोलिम्फ फ्लूड भरा रहता है। यहाँ जो एक्सक्रीटरी मैटर है, वो एक्सक्रीटरी मैटर किस रूप में होता है? वो एक्सक्रीटरी मैटर पोटेशियम यूरेट के रूप में होता है। ये पोटेशियम यूरेट कहाँ आएगा? मेलपिगन ट्यूब्यूल्स में, पोटेशियम यूरेट, ठीक है जी। इसी हीमोलिम्फ से क्या ऑब्जर्व किया जाता है? H2O। और क्या ऑब्जर्व किया जाता है? CO2। क्या बनता है? H2CO3, ठीक है। पोटेशियम यूरेट H2CO3 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा क्या बनता है? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? हीमोलिम्फ में। और यूरिक एसिड को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, कहाँ पर? गट रीजन में, जिसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाएगा। पूछ क्या रहा है? बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में किस रूप में छोड़ा है बॉडी सेल ने? तो वो फॉर्म तो क्या कहलाती है? पोटेशियम यूरेट कहलाती है। तो ये गौर कर लेना इसमें कि आपसे पूछा क्या गया है कि बॉडी से किस रूप में रिमूव आउट करता है? यूरिक एसिड के रूप में। बॉडी की सेल ने किस रूप में रिलीज किया है इनको? पोटेशियम यूरेट के रूप में। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जूलॉजिकल नेम है किसका भाई? कॉकरोच का, ठीक है। कौन सा करेक्टर इनमें से नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट? देखें आप, साइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, बिल्कुल ठीक बात है, साइजोसिलोमिक कैविटी पाई जाती है। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज की बात कर रहा है, किसमें पाया जाता है बच्चों? ये तो ड्यूटेरोस्टोम्स में, ड्यूटेरोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम कौन आते हैं? ड्यूटेरोस्टोम में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, जबकि इकाइनो से पहले आ गया है ये, तो इसलिए इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। नॉट प्रेजेंट ही पूछ रहा है, आंसर क्या चला जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देखना है अपने को। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, बिल्कुल ठीक बात है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, अभी पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसा देखा था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कॉकरोच में देखा जाता है, ओके। तो 29 का ऑप्शन चला गया 2। अगला क्वेश्चन 30। Which of the following feature is used to identify a male cockroach from the female cockroach? ये जो morphological difference है ना male और female के, इनको अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। क्या क्या difference है इनमें, और इनके wings को लेकर भी question बन सकता है, तो इस topic को आप अच्छे से पढ़ लें किसे? NCERT से। Four wing with darker tegmina, ये male और female का difference नहीं है, दोनों में ऐसा ही पाया जाता है, ठीक है जी। तो अपने से पूछा क्या है, कौन सा फीचर है जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता हो? प्रेजेंस ऑफ एनल सरकाई, एनल सरकाई भी दोनों में पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल या एनल स्टाइल भी कहा जाता है, तो काउडल स्टाइल केवल किस में होती है? मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा, यही पूछा है कि आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम दी फीमेल कॉकरोच, तो मेल में क्या अंतर है? मेल में काउडल स्टाइल पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती। प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन दी 9th, तो ये तो मेल में होती नहीं है, फीमेल में 7th अलोंग विद 8th एंड 9th क्या बनाता है? बोट शेप का स्टर्नम बनाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। तो आंसर चला गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
हाँ तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चूज द करेक्टली मैच पेयर। करेक्टली मैच पेयर को अपने को बताना है। टेंडन्स, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये तो कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। एडिपोज टिश्यू डेंस हैं। एडिपोज एंड एरियोलर दोनों ही कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कैसा है, LWS, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्टेटमेंट सही है। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव, लूज नहीं, ये तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट को पता करना है अपने को। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट क्या पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। नो, क्या मिलेगा बच्चों यहां पर, क्यूबॉइडल। तो पहला क्या हो गया, रॉन्ग। मोइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहां तो कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स पर कौन सा, स्क्वामस एपिथेलियम। नो, इनर सरफेस ऑफ ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स क्या पाया जाता है, सॉरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स पर क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है जी, इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, तो ये मैच भी क्या हो गया, रॉन्ग। आंसर कौन सा चला गया, 32 का ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन ए सार्कोमियर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन थिन फिलामेंट एंड नो थिक फिलामेंट। केवल थिन होता है, कोई थिक नहीं होता, याद करो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी, मायोफाइब्रिल को दिखाया था इनमें अपन ने। ठीक है जी, ये क्या बने थे, मायोसिन, और मायोसिन को ओवरलैप करने वाले ये क्या बने थे, एक्टिन, याद है ना। ये क्या कहलाए, एक्टिन कहलाए, और यहाँ क्या पाया जा रहा था, जेड लाइन प्रेजेंट थी। ठीक है जी, क्या पूछ रहा है, सार्कोमियर में, सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच की स्पेस इज नोन एज सार्कोमियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंटेन थिन फिलामेंट और कोई थिक फिलामेंट नहीं होता है, तो ये तो क्या बन गया, ए बैंड। ठीक है जी, ए बैंड में तो मायोसिन भी है, थिक भी है, और थिन फिलामेंट एक्टिन भी है, लेकिन जो आई बैंड बनेगा, इस आई बैंड में केवल थिन फिलामेंट होता है, कोई भी थिक फिलामेंट नहीं होता, यही अपने से पूछ रहा है। आंसर कौन सा चला जाएगा, आई बैंड चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में कौन मदद करता है, वो क्या कहलाता है, गैप जंक्शन कहलाता है, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है जी, और अडेरिंग जंक्शन का काम क्या है, आपस में चिपकाने में मदद करता है। डेस्मोसोम, तो आपको याद होगा टोनोफाइब्रिल्स निकलते हैं यहाँ से, याद है ना, मैकुला अडेरेंस बोला था, टोनोफाइब्रिल्स निकले थे, साइटोप्लाज्म की स्टेबिलिटी करवाते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन क्या कर रहे थे, लीकिंग ऑफ सब्सटेंस जो है उसको रोकने का काम करते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा गैप जंक्शन, जिसकी वजह से एक दूसरे से साइटोप्लाज्म जो है दो सेल का कम्युनिकेट करता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेल फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल विच मूव पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अभी अभी बताया था ब्रोंकियोल की इनर सरफेस पर क्या पाई जाती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है, वो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, उसका कौन सा पार्ट है जो सब्सटेंस को एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, सीलिया वो पार्ट कहलाते हैं। तो देख लें आप, इसमें सीलियरी एपिथेलियम होना चाहिए, सीलियरी एपिथेलियम, दिस वन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। लोकेशन से संबंधित कौन सा ठीक है, एरियोलर टिश्यू टेंडन्स में। नहीं साहब, एरियोलर टिश्यू के तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कौन सा, टीला सबक्यूटेनिया स्किन के नीचे,
टेला सबक्यूटेनिया बिलो द स्किन पाया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अलावा ईसोफेगस, ठीक है जी। और भी एग्जांपल है, मेनली ये याद रख लें। ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिप ऑफ द नोच, ट्रांजिशनल एपिथीलियम ऑल्सो नोन एज, याद हो तो आपको क्या कहते हैं, यूरोथीलियम। और ये यूरोथीलियम कहाँ पाया जाता है, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी की, कौन सी, रिनल पेल्विस, इसके बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर और इनिशियल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की प्रेजेंस देखी जाती है टिप ऑफ द नोज पर, तो क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है जी। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यूबॉइडल एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लाइनिंग ऑफ द स्टमक पे तो कौन सी पाई जाती है, कोल्यूमनर, कोल्यूमनर एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखें स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या करती हैं, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करवाती हैं। स्वान सेल तो कहाँ बनाएगी, आउटसाइड दी CNS, ठीक है जी। और CNS में अगर बात करें तो वो कौन बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, क्लियर। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, 38। मैच दी आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 में ये कंपोनेंट बता रखे हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। कॉलम 2 में फंक्शन बता रखे हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का रोल किस में है, ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है जी। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करवाता है। एल्बुमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस। 1, 2, 3, 1 ऑप्शन देख लें, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी बात की थी अपने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम की, ठीक है जी। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स को मूव करवा रहा था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इन ह्यूमंस दिस सेल आर मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ पाई जाती हैं ये, तो साहब इनकी प्रेजेंस देखी जाएगी कहाँ पर, ब्रोंक्योल्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब में भी होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और देखें बाइल डक्ट ब्रोंक्योल, यहाँ ब्रोंक्योल्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होती, बाइल डक्ट में नहीं होती है, ठीक है, और यहाँ नहीं देखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर अपना चला जाता है। हाँ तो बच्चों, आज अपन ने जो लेक्चर नंबर 3 किया है, इस लेक्चर नंबर 3 में अपन ने एनिमल डाइवर्सिटी, इसके अलावा हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन देखे हैं, और एनिमल मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच से आए हुए कुछ क्वेश्चन की बातें की है अपन ने, ठीक है। तो आप इन 39 क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से तैयार कर लें, इनके कंसेप्ट को NCERT से देख लें। और फिर से एक बात कहूँगा, डाइवर्सिटी कहाँ और कितनी पढ़नी है, जितना NCERT ने बोला है उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल आप याद कर रहे हो ना, इसका मतलब आप अपने ऊपर बर्डन लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी से सवाल कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा उसके एग्जाम्पल से, एक बनेगा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया है, उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी की पहली रिक्वायरमेंट है आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा आता है, क्योंकि वहाँ जनरल फीचर्स की जब बात की जाती है तो जनरल फीचर में स्टार्टिंग के जो 10 पॉइंट्स हैं वो तो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो स्पेसिफिक करेक्टर के बेसिस पर बनने की संभावना है, ठीक है। अगर और ज़्यादा डिटेल में आता है तो वो तो सबके लिए अप्लीकेबल होगा, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो ठीक है। तो फिर भी रफली जो है वो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, अब फुली एंड फुली कंसंट्रेट करें किसके ऊपर, NCERT के ऊपर। तो हमारा ये जूलॉजी का आज लेक्चर नंबर 3 जो है वो आप तक पहुंच जाएगा, और आपकी DTS 2.0 जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, डेली असाइनमेंट आपको घर पे भेजे ही जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो आपकी CLC ने आपके लिए कितना वर्क किया है, ठीक है। और कंपेयर भी इसको आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतने समझदार तो हैं ही आप, ओके। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।